इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर ग्राम अवगांव कला के पास एक यात्री बस पलट गई, जिसमें सवार करीब 20 यात्रियों को हल्की चोट आई, जिनमें से 2 यात्रियों को उपचार के लिए हंडिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वर्मा ट्रेवल्स की बस हरदा से खाते गांव की ओर जा रही थी। इस दौरान अवगांव कला के पास निर्माणाधीन हाईवे पर से निकल रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से रेखा और आशीष नामक 2 यात्रियों को चोट लगने के चलते हंडिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बस के कंडक्टर और ड्राइवर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही हंडिया थाना प्रभारी अनिल गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को हंडिया व हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बस काफी स्पीड में थी और उसने ऊपर चढ़ा दी थी बस वाले ने, बस इस वजह से वो पलट गई। बैलेंस संभला नहीं। मैं हरदा से खाते गाँव जा रही थी, इसमें सिर्फ एक ही भैया को लगी है, बाकी सब ठीक है और बाकी सब तो जा चुके हैं। ये आज हरदा से सीहोर के लिए जा रही थी तो अनियंत्रित होकर अवगांव कला पे थाना क्षेत्र हंडिया में पलट गई आज। हाँ, इसमें 7-8 लोग घायल हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए हरदा और हंडिया के लिए रवाना किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।